गवर्नमेंट हमारी नॉनेट फेलोशिप जो पीएचडी करने वालों को 8,000 और एमफिल करने वालों 5,000 मिलती थी वो कट कर रही है। उसके खिलाफ हमारा विरोध प्रदर्शन पिछले 85 दिनों से जारी है। हम अकूबा यूजीसी कर रहे थे, यूजीसी के बाहर भी हमने प्रदर्शन जारी रखा, वहाँ पे हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुई। हमने यहाँ पे 8 सितंबर को एमएचआरडी के खिलाफ किया, 8 दिसंबर को वहाँ पे हमारे ऊपर आंसू गैस छोड़े गए, वाटर कैने छोड़ी गई और हम आज उसी को कंटिन्यू करने चाहिए। आज हमारा 85वां दिन है अकूबा यूजीसी का। हमारे डिमांड है सारे स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी दोनों में एमफिल और पीएचडी की जो फी मिलती है उसे कंटिन्यू किया जाए, और कंटिन्यू ही नहीं, एमफिल को जो 5,000 मिलती है उसको 8,000 और पीएचडी को जो 8,000 मिलती थी उसको 12,000 किया जाए। नॉन नेट फेलोशिप जो पहले दिया जाता था रिसर्च वाले बच्चों को वो अब बंद कर दिया गया है WTO के कहने पर, एंड उसको कंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि जो गवर्नमेंट के पास जो फंड्स जाता है वो किसी तरीके से यूज़ करना चाहिए, और ये कोई अच्छा मोटिव है, अच्छे मोटिव के लिए हमें लड़ना है, इसलिए हम यहाँ पर प्रेजेंट हैं। नॉन नेट फेलोशिप हमें वापस चाहिए जो रिसर्च वाले बच्चों को दिया जाता था बट अभी बंद कर दिया गया है, बिकॉज एक तो प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है तो फंड्स ऑब्वियसली गवर्नमेंट के पास ज़्यादा जाएंगे। अब फंड्स अगर बढ़ रहे गवर्नमेंट के पास तो फंड्स का वो क्या कर रहे हैं अगर वो रिसर्च वाले बच्चों को दे ही नहीं सकते। पचासी दिन हो गए हैं ऑक्यूपाई UGC के बैनर तले, जो 20 अक्टूबर से ये मूवमेंट शुरू हुआ था उसका हम लोग बेसिकली जो 7 तारीख को फेलोशिप एनहांसमेंट कमिटी UGC में जो गठन हुई थी उसका मीटिंग था, और उस मीटिंग में जो फेलोशिप बढ़ाने के लिए मीटिंग था नॉन नेट फेलोशिप 5,000-8,000 वही उसी स्कॉलरशिप को इसी फेलोशिप को रोक दिया गया, और उसके मिनट्स पब्लिक हुए थे 20 तारीख को, और 20 तारीख को ही JNU में हम लोग ने प्रोटेस्ट किया था, पुतला दहन किया था, और उसके बाद 21 को हम लोग ने 21 अक्टूबर को UGC पे धावा बोला, और उसी समय से लाठीचार्ज झेलते हुए, वाटर कैनन झेलते हुए, और तमाम तरीके के पेटिशंस मेमोरेंडम्स हम लोग ने MHRD और PM और सारे पार्लियामेंटेरियंस को देते हुए हम लोग ने यही डिमांड्स प्रेस किया कि एक तो ये फेलोशिप रोका ना जाए, अनकंडीशनली सारे रिसर्च स्कॉलर्स को जो कि नॉन JRF रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनको ये फेलोशिप मिले, क्योंकि शिक्षा कोई कमोडिटी नहीं है। आप लगातार जिस तरीके का बाजारीकरण निजीकरण का ट्रैजेक्टरी हम लोग को देखने को मिल रहा है, लगातार फी हाइक हो रही है, उसी संदर्भ में ये मूवमेंट शुरू हुआ था, और पहला डिमांड यही था कि इसको बढ़ाया जाए 5 से 8, 8 से 12, सबको फेलोशिप दी जाए, इसको रोकी ना जाए, और जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भी ये दी जाए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के साथ। तो ये हमारी 3 मेन डिमांड्स थी, और शिक्षा में जो लगातार फंड कट हो रहा है, जो फंड की कटौती हो रही है उसको भी लेकर हम लोग ने यही बोला, यही हम लोग का एम्फेसिस है शुरू से कि जो बजट का 10वां हिस्सा हो ये एजुकेशन में जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और WTO GATS का मीटिंग जो हुआ था उसमें एजुकेशन को ट्रेडिकेबल कमोडिटी के तरह से ना बेचा, ये हमारा मेन। कितना दम इनमें तेरे, संघर्ष करेंगे, जीतेंगे।